27 साल बाद हम मिले हैं हमारे भाई अनुराग से। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हडिम्बा माता के मंदिर पे, अब हम माता के दर्शन करेंगे। आज का हमारा स्टे है तीर्थन वैली में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली दोस्तों, अभी हम हैं मनाली में। आज हमारा है डे 6। तो रात को हम पहुंच गए थे, जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो मनाली में पहुंच गए थे 7 बजे के करीब। तो हमने स्टे किया है कुनाल होटल में, जो कि है ओल्ड मनाली में, और ये रास्ता जाता है हडिम्बा टेंपल को। तो अभी हमारे दो प्रोग्राम हैं, पहले हडिम्बा टेंपल जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। इसके बाद हमारा आज का जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो है हम एक्सप्लोर करेंगे जलोरी पास। तो आपको अपडेट करता रहूँगा मैं साथ के साथ। तो ये मैं दिखा देता हूँ रास्ता, ये है हडिम्बा टेंपल का रास्ता। ये जो स्टेयर्स ऊपर को जा रही हैं, तो ये पीछे जो हमारा कुनाल होटल है ये पीछे है हमारे, तो यहाँ से हम आए हैं। तो अभी जाएंगे हडिम्बा टेंपल। अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो पीयूष कैफ़े है यहाँ पे, और साथ में चाइनीज़ कैफ़े है। तो अभी हम करेंगे माता के दर्शन। तो गाइस ये स्टेयर्स हैं जिससे हम ऊपर जा रहे हैं माता के मंदिर पे। मनाली आए तो हडिम्बा टेंपल आप ज़रूर माता के दर्शन करें। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हडिम्बा माता के मंदिर पे, अब हम माता के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और फिर हम अपना नेक्स्ट जो है ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। और एक और बात बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मंदिर के अंदर जाके हमने दर्शन किए थे, पर ड्यू टू कोविड अभी मंदिर को बंद किया गया है। सिर्फ छोटा सा गेट खुला है, वहीं पे प्रसाद मिलता है, वहीं पे माथा टेकना होता है। तो चलते हैं मंदिर, माथा टेकते हैं। गाइस जैसे आप हडिम्बा माता टेंपल देखते हैं तो साथ में आप घटोचकर टेंपल भी देख सकते हैं, तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। तो गाइस ये है घटोचकर कच्छ जी का मंदिर, ये मेरे पीछे बिल्कुल है, और वहां पे हमारे हडिम्बा माता का टेंपल है, और उससे थोड़ी सी राइट हैंड पे आएंगे तो ये घटोचकर कच्छ जी का टेंपल है, यहाँ आगे आप दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस हमने माता का आशीर्वाद ले लिया है, हडिम्बा माता का टेंपल आपको मैंने दिखा दिया है, और इसके दो रास्ते आने के, एक तो आप इस साइड से भी आ सकते हैं, हम आए हैं बैक साइड से, ये इस साइड से आए हैं। तो दो तीन रास्ते हैं यहाँ से हम माता के दर्शन करने के लिए, आप आ सकते हैं किसी भी रास्ते से। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस अब हम उतर चुके हैं मंदिर माता के दर्शन करके, और सामने ही है रेस्टोरेंट, तो वहाँ जाके अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हम सब रेडी हैं, हमारी बाइक पूरी तैयार है, और मेरे ये बाइक है मेरे सामने, मेरा चीता ये है, और लगेज पूरा पैक्ड है। तो हम कुनाल होटल में रुके हुए थे, बहुत ही शानदार होटल है, और पूरी लगेज हमारे बाइक पर लगी है, और मैं कुनाल होटल के मैनेजर से मिलवा देता हूँ। क्या नाम है आपका? जिया लाल जी हैं, और बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया था इन्होंने हमारा। अपने बारे में बताना, होटल जिया कौन सी जगह पर है, लोकेशन क्या है अपनी होटल की? होटल कुनाल, लोगाटेरिया। ये ओल्ड मनाली में पड़ता है, और बहुत चीप एंड बेस्ट है, और कभी भी मनाली आए तो इस जगह पे होटल कुनाल में जरूर रुके, हमारी रिकमेंडेशन है। थैंक यू। बस अब हम निकल रहे हैं तीर्थन वैली के लिए, और सब रेडी हैं, बस अब चलते हैं बाइक पे। तो अभी का प्लान दोस्तों मैं बता दूं, हम जा रहे हैं तीर्थन वैली, तो वहाँ जाके आज हमारा स्टे है तीर्थन वैली, कल फिर जलोरी पास क्रॉस करेंगे। आज का मेन जो प्लान हमारा है
वो है तीर्थन वैली का। तीर्थन वैली में स्टे करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो कैंपिंग भी करेंगे। अगर कैंपिंग की साइट मिल गई तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, ये डिपेंड होता है कि हमें स्पेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी हम थे ओल्ड मनाली पे और वो होटल था कुनाल। अगर आप कभी भी आएँ तो होटल कुनाल में आके स्टे कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूंगा, तो हमारे रेफरेंस से कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट ज़रूर कर देंगे। मेन मनाली में काफ़ी प्राइस हाई होते हैं, लेकिन आप अगर अंदर की तरफ ओल्ड मनाली आ जाते हैं तो आपको कम प्राइस में बढ़िया रूम्स मिल जाते हैं। अनुराग भाई की शॉप बिल्कुल यहीं पे है, इसी रूट पे है। मैं दिखा देता हूँ, ये HDFC बैंक है, बिल्कुल रोड पे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ATM है और HDFC बैंक है। और ये उनकी फार्मेसी नांगल मेडिकोज, ये रही बिल्कुल। अभी हम हैं मनाली में और ये है नांगल मेडिकोज। ये शॉप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दोस्त की शॉप है, हमने कर्नाटका से फार्मेसी की थी। तो ये जो मेरे दोस्त हैं अनुराग सूद, मुझे 27 साल बाद मिले हैं आज, तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। जो मेरे फ्रेंड है, ये हम दोनों ने इकट्ठी फार्मेसी की है, तो मैं उनसे मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे भाई, हमारे दोस्त अनुराग सूद, और हमने इकट्ठी फार्मेसी की है 1993 में, और हमने की हरपनाली से। तो भाई कितने टाइम से है आपकी शॉप यहाँ पे? 2004 से मनाली में इनकी शॉप है। 27 साल बाद हम मिले हैं हमारे भाई अनुराग से, बहुत ही अच्छा लगा, और हमारे ट्रिप की ये भी यादगार क्षण रह गए हैं मेरे लिए, मेमोरी रहेगी कि आप आए यहाँ पे। तो जब भी मैं मनाली आऊँगा भाई से पक्का मिलूँगा, और आप भी दिल्ली आए, बिल्कुल दिल्ली आए तो पक्का मिले। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम जाएंगे कुल्लू की साइड से। तो अभी हम हैं मनाली में, ये है पूरा मनाली का एरिया जो आप देख पा रहे हैं। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे, आज का हमारा स्टे है तीर्थन वैली में, वहाँ पे जाके हम आपको तीर्थन वैली का व्यू दिखाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रिवर साइड कोई भी हम लोकेशन देख के अपना वहाँ पे स्टे लेंगे और आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो अब हम आए हैं मनाली के पेट्रोल पंप पे, वैसे पेट्रोल की ज़रूरत तो है नहीं, एक पॉइंट कम है, फिर भी हम फुल करा लेते हैं, पहाड़ों में कोई दिक्कत हो जाए कुछ हो जाए। अभी हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ, और इस रूट पे मैं बहुत कम आया हूँ, मैं हमेशा जो पुराना रास्ता है कुल्लू जाने का हमेशा वहीं से जाता हूँ। दोस्तों ये हमारी चारों बाइकें चल रही हैं एक साथ, आगे हैं शुभम भाई, पीछे हैं सुरेंद्र भाई, और उसके बाद अमित भाई और मैं, हम चार बाइकों से जा रहे हैं तीर्थन वैली, और उसके बाद चिलोरी पास, देन आई थिंक कल हम शिमला होते हुए जहाँ तक पहुँच पाएंगे चंडीगढ़ या कहीं भी तो वहाँ जाएंगे। तो ये टोल प्लाजा आ गया है, तो गाइस सामने देखिए शिमला चंडीगढ़ बिलासपुर के लिए सीधा जाना है, कुल्लू के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो हमने शिमला वाले रूट से जाना है तीर्थन वैली और जलोरी पास के लिए, आपको शिमला वाला रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप शिमला वाला रूट ले लीजिए और ये फ्लाईओवर के ऊपर से जाइए, शिमला मंडी चंडीगढ़ ये सब, ये दिल्ली वाला ही रूट है सेम। सामने देखिए जंगल में पहाड़ पे बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है, और धुआं बिल्कुल आसमान में फैला हुआ है इसका धुआं। ये देखिए ऊपर भी वो सामने आग लगी हुई है और ऊपर धुआं धुआं हो रहा है। दोस्तों आज की जो राइड है काफ़ी कम डिस्टेंस है हमारे, लगभग हमने 100 किलोमीटर कवर करना है तीर्थन वैली के लिए मनाली से, लेकिन जो समय लगेगा वो हमें मोर देन 4.5 आवर लगने वाला है। ये रास्ता जो 70 किलोमीटर का रास्ता है काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और टनल तक जो मनाली कुल्लू होते हुए जाता है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है और समय लगेगा ही लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद जब और टनल हम क्रॉस कर देंगे तो दो रास्ते कट जाते हैं, एक रास्ता चला जाता है मंडी चंडीगढ़ दिल्ली के लिए,
और दूसरा रास्ता चला जाता है तीर्थन वैली शिमला, और फिर वहाँ से भी आप दिल्ली जा सकते हैं। तो ये दो रास्ते कट जाते हैं और टनल से, और यहाँ से अब जो डिस्टेंस है वो 45 किलोमीटर रह गया है और लगभग 15 किलोमीटर बाद और टनल आ जाएगी। अभी गाइस हम और टनल से निकल के आए हैं, ये जो सामने देख रहे हैं, और मैं बता दूं इस और टनल की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है, और इस और टनल को गेटवे ऑफ कुल्लू भी कहा जा सकता है। और ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये है तीर्थन वैली को, जीबी को और जिलोरी पास को। तो और टनल से दो रास्ते कटते हैं, एक तो मंडी को चला जाता है जिसका लगभग डिस्टेंस होगा 40-41 किलोमीटर, और हमने जाना है तीर्थन वैली और अब डिस्टेंस रह गया है 30 किलोमीटर। तो मैं बता दूं आपको, अगर दिल्ली जाना हो तो आपको ओट टनल आने की ज़रूरत नहीं है, एक बाजूरा जगह है कुल्लू से निकलते ही, वहाँ से राइट हैंड को रास्ता निकलता है तो वो मंडी को चला जाता है और उसके बाद दिल्ली। तो अभी हम चल रहे हैं तीर्थन वैली की तरफ। तीर्थन वैली के लिए आपको बंजार की तरफ मुड़ना पड़ेगा और सेन चला जाता है सीधे। तो अभी हम हैं तीर्थन वैली के रूट पे, तो अब कुछ खाया पिया जाए। ये एक छोटा सा होटल नज़र आ रहा है, तो काफ़ी भूख लग रही है, देखते हैं। बात ऐसी है कि अभी हमने ठाकुर ढाबे पे लंच किया है, जैसे ही हम ब्रिज से ऊपर टर्न किया लेफ्ट में तो ये 3-4 ढाबे थे, तो हमने यहाँ पर लंच कर लिया है और अब हम जीबी जाएंगे आगे। ये पूरी तीर्थन वैली शुरू होगी यहाँ से, तो अभी चलते हैं आगे। तो कम से कम हमने यहाँ पे मोर देन 40 मिनट्स का ब्रेक लिया है, और रोड की हालत तो आप देख ही रहे हो कितनी ख़राब रोड है, जिसकी वजह से ही टाइम लग रहा है। रोड एक तो पतली है, ऊपर से ट्रैफिक बहुत है, इस पर ट्रक बहुत चल रहे हैं यहाँ पर, ये समझ नहीं आ रहा। और ये रोड आगे शिमला, रामपुर और किन्नौर को जाता है, किन्नौर से आगे फिर अपना स्पीति को निकल जाता है। तो गाइस ये ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है तीर्थन वैली का मेरे सामने, और बहुत ही खूबसूरत है तीर्थन वैली। ये देखिए अभी नीचे रिवर बह रही है, और बहुत ही शानदार घर है यहाँ। ये देखिए रिवर, कितनी ब्यूटीफुल रिवर है। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं तीर्थन वैली का रोड, बहुत ही पतला रोड है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अगर एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है, साइड देनी पड़ती है, तो कई बार यहाँ जाम भी लग जाता है। गाँव देखिए दोनों तरफ कितने क्लोज मकान बने हुए हैं। तो हमारे अमित भाई और सुरेंद्र भाई पहले आगे चले गए हैं, क्योंकि शुभम भाई बाद में आए थे, मंदिर तक गए थे माथा टेकने, और इनको थोड़ा समय लग गया था तो मैं उनके लिए रुक गया था। 11 होने वाला है जबकि 5 बजे हमें पहुंचना चाहिए था, और 6:10 तक पहुंचेंगे तो इसलिए अंधेरा हो जाएगा, तो आगे दिक्कत हो जाएगी। चलो देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा, अभी भी 30 मिनट तो हमें लगने वाला है। और रोड तो ठीक है जब हमने सच पास कर लिया और शिंकुला कर लिया, लेकिन ये ट्रैफिक इतना नहीं था वहाँ पे जितना अभी, ये कितना फास्ट ट्रैफिक चल रहा है। रास्ता देखो कितना छोटा सा रास्ता है, और इसमें एक ट्रक या बस हो जाए तो फिर क्या हाल हो। ये देखिए कितना छोटा सा रास्ता है, एक समय में एक ही व्हीकल जा सकता है, और बहुत इसमें ट्रैफिक ज़्यादा है इस रास्ते पर। बंजार यहाँ से 5 किलोमीटर है, और अभी हैं हम बंजार विलेज में, और यहाँ से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस और है, और जो समय हमें गूगल बता रहा है 17 मिनट्स, तो अभी 17 मिनट और लगने वाले हैं, और 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम रिसोर्ट में जा रहे हैं।
तो दोस्तों हम रास्ता भटक गए हैं, हम आगे निकल गए जेबी की ओर। तो हमने जेबी नहीं जाना था, हमने जाना था गुसैनी। तो ये 8 किलोमीटर हम आगे निकल आए हैं, अब हम 8 किलोमीटर वापस जाएंगे। तो आप सोच लिए पहाड़ों में ये रास्ता, ये जो 16 किलोमीटर रास्ता, कम से कम 1-1.5 घंटा हमारा वेस्ट हो चुका है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आगे से। अगर आप मनाली से आ रहे हैं तीर्थन वैली के लिए, तो बंजार से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले रास्ता कटता है गुसैनी के लिए। गुसैनी वहाँ से उस कट से लगभग 8 किलोमीटर आगे है। तो ये याद रखना कि बंजार से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रास्ता कटता है। तो अभी रात हो चुकी है, इससे आगे अब वीडियोग्राफी तो हो नहीं पाएगी। तो अभी हम सीधे मिलेंगे आपको अपने रिसोर्ट में, मैं वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। अब हमारा है नाइट स्टे गुसैनी में, और ये है त्रिशला रिसोर्ट। तो त्रिशला रिसोर्ट बहुत ही शानदार रिसोर्ट है, और रूम भी बहुत बढ़िया रूम है, पूरा वुडन हाउस है। और हमें मिला है डुप्लेक्स, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही रूम बचा था डुप्लेक्स का, तो हमने डुप्लेक्स रूम लिया है त्रिशला रिसोर्ट में। तो हम यहाँ पे लगभग 7:30 पहुँच गए थे। जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ वो पंगा हो गया था कि जहाँ से हमने मुड़ना था इस गोसाई के लिए, वो हमारे से मिस हो गया। हम आगे चले गए जीबी में, जीबी पहुंच गए, और जीबी यहाँ वहाँ से 8-9 किलोमीटर आगे था। तो 8-9 किलोमीटर आगे जाके फिर वापस आए, तो हमारा 1-1.5 घंटा वो ख़राब हो गया। तो हम कम से कम यहाँ पे 5:30-6 बजे आ सकते थे, लेकिन हमने बहुत टाइम वेस्ट करा, और शाम इवनिंग का हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाए। अभी जस्ट डिनर फिनिश किया है, बफे सिस्टम है, और 1500 रुपये पर पर्सन बताया था, तो हमें डिस्काउंट करके 1300 रुपये पर पर्सन लगाया है। तो मैं रूम दिखा देता हूँ आपको कि हमारा रूम कैसा है। तो गाइस ये देखिए हमारा रूम, चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये पूरा वुडन का हाउस है, और ऊपर है डुप्लेक्स, दूसरा रूम ऊपर है जिसमें अमित भाई रुके हुए हैं, और हम सब यहाँ पर नीचे रुके हुए हैं, और एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया है, और ये हमारा डबल बेड। तो आज रात हमारा यहीं स्टे है तीर्थन में, गोसाई जगह है यहाँ पे। तो बढ़िया रहा आज का नंबर एक, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो गया क्योंकि आज हम लोगों ने राइड काफी ज्यादा की कम टाइम में, बस वो उस मामले में हेक्टिक था हमारा। 1-1.5 घंटा खराब हो गया ना, जो हम आगे ऑलमोस्ट जीबी कहाँ से जीबी तक हम लोग निकल गए, जीबी चले गए थे बिल्कुल। बाकी राइड बहुत सही थी, थोड़ी सी थकान है, आपको पता ही है इतने दिन से राइड कर रहे हैं, थकावट हो जाती है, और ये थकावट अब जाएगी घर जाने के बाद ही, आपको पता है। अब मॉर्निंग में हम जा रहे हैं जलोरी पास, तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो आज वाली वीडियो से भी एक्साइटिंग होगी। तो बस जुड़े रहो, थैंक यू।